हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। देखिए फ्रेंड, ये अपरास्ता का पौधा है। देखिए, मैंने पहले भी एक अपरास्ते के पौधे के बारे में बताया है, एक नई वीडियो डाली थी। आज मैं दोनों अपरास्ता के बारे में बता रही हूँ। अपरास्ता दो प्रकार की होती है, एक नीले फूल की और एक सफ़ेद फूल की। आज मैं दोनों अपरास्ता के बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पहले मैंने नीले वाले के में डाली थी, आज फिर मैं दिखा रही हूँ नीले की भी। ये नीले फूल की अपरास्ता है, देखिए फ्रेंड, और ये एक सफ़ेद फूल की अपरास्ता है। तो फ्रेंड, अपने अपने घरों में ये दोनों फूल की अपरास्ता ज़रूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि सफ़ेद फूल की जो अपरास्ता है, जो ये वाली है, ये देखिए, इसका फूल बहुत प्यारा होता है और ये लक्ष्मी जी का सूचक है। कहते हैं कि जिस घर में सफ़ेद अपरास्ता होती है, उसके घर में धन समृद्ध अच्छी होती है, और जिसके घर में नीली अपरास्ता होती है, उसमें नज़र दोष से बचाता है, शनि की कृपा रहती है। तो आप ये दोनों ही अपरास्ताएँ अपने अपने घरों में लगाएं, ये बहुत शुभ होता है। ये पेड़ देखने में भी अच्छा लगता है, लतादार होता है। वैसे लोग कटिंग से भी लगा लेते हैं, छोटा करके लगा लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों फूल कितने प्यारे हैं, और इसकी पत्तियां तो बहुत ही गुणकारी हैं। इन पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल के अगर रोज़ाना सुबह शाम पिया जाए तो इससे माइंड शार्प होता है, बच्चों का दिमाग बहुत बढ़ता है, जिससे इसको शंख पुष्पी भी कहा जाता है। देखिए बहुत प्यारा फूल है ये, इसको घर में ज़रूर ज़रूर लगाएं आप लोग। देखिए फ्रेंड, और सिर में कैसा भी दर्द हो, कैसा भी माइग्रेन का दर्द हो, कितना भी तेज क्यों ना दर्द हो, इसकी जड़ को निकाल करके और उसकी जड़ से रस निकाल के अपनी नाक में अगर डाला जाए, जिस तरफ में दर्द होता है उस नोज में डाला जाए, उस नथने में डाला जाए, तो सर का दर्द डेफिनेटली एकदम से दूर हो जाता है, बहुत आराम मिलता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो फ्रेंड, ये दोनों पेड़ अपने अपने घरों में आप ज़रूर ज़रूर लगाएं। वैसे हिंदू समुदाय में तो इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन सारे ही समुदाय के मानते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए अब मैं चलती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सखी गार्डन सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और जो भी अपने रिश्तेदार हों, जितने भी लोग हों, उन सबको शेयर कर दें, जिससे वो अपने अपने घरों में सभी लोग इसको लगाएं, पौधे को, और इसका फ़ायदा उठाएं। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।